नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। सुल्तानगंज अगवानी निर्माणधीन पुल धारा शाही को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया पुतला दहन। सुल्तानगंज अगवानी पुल ताश के पत्ते की तरह झड़ कर गंगा नदी में धारा शाही हो गया। इससे पहले भी तेज आंधी में पुल के स्लैब गंगा नदी में समा गए थे। बार बार इस तरह पुल का गिरना वर्तमान बिहार की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, जहां की एसपी सिंगला कंपनी को इससे पहले भी जवाब मांगा गया था, लेकिन पुख्ता जवाब अभी तक नहीं आ पाया था कि दूसरी घटना फिर हो गई। इसमें मुख्य रूप से नीतीश कुमार को निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन भी किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार एक इंजीनियर हैं, फिर भी बिहार का पुल इस तरह से ध्वस्त हो रहा है, यह बिहार सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करता है। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी भागलपुर के जिला अध्यक्ष संतोष साह के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम प्रमंडल में जो हुआ है उसका मूल कारण है कि 17 सेकंड में 1717 करोड़ रुपया स्वाहा हो गया। ये नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार का परिचायक है, ये पलटू राम के भ्रष्टाचार का परिचायक है, ये चचा भतीजा के भ्रष्टाचार का परिचायक है। और उसके विरोध में अगर ये सोच रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी कि ये भ्रष्टाचार करके हम बच जाएंगे, उनको चूँकि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। और इस मामले को हम अगर माननीय मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन नहीं किया तो हम कोर्ट के माध्यम से कोर्ट में जाके सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और सीबीआई जांच करा के जो दोषी है, जो नेता दोषी है, जो पदाधिकारी दोषी है, जो पुल निर्माण निगम का कर्मचारी दोषी है, तमाम लोगों के विरोध में कार्रवाई करने का काम करेंगे। आज कहती है जो भ्रष्टाचार के परिचायक बन गए हैं पलटू राम नीतीश कुमार जी का पुतला दहन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है और पूरे विश्व की ये पहली ऐसी घटना है कि कभी अंधड़ में पुल गिरता हो, कभी लू लग के जो है पुल गंगा में ध्वस्त हो जाया हो, या विश्व की पहली घटना है जिस राज्य का मुख्यमंत्री इंजीनियर हो वहाँ इस प्रकार का व्यापक भ्रष्टाचार, और ये भ्रष्टाचार पूरे विश्व में बिहार की जो छवि है उसको खराब करने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी सीपीआई की मांग और कहीं भी थोड़ी भी अगर इज्जत बची हुई है तो माननीय नीतीश जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, क्योंकि इंजीनियर मुख्यमंत्री रहते हुए अगर बिहार का पुल गिरता हो और बयान आता हो कि पुल का डिजाइन अच्छा नहीं है, पुल की डिजाइन में त्रुटि थी, तो जिस समय अप्रूवल के लिए आपके पास गया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी आंख बंद करके आपने सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था, और जनता की 17 करोड़ जो कमाई है, गहरी कमाई 1700 करोड़, वो 1700 करोड़ का हिसाब कौन देगा।